हेलो एवरीवन आज की जो हमारी वीडियो है एक स्पेशल वीडियो है जो कि जस्टिस रोहिटन फॉलिन नारीमन जो कि सुप्रीम कोर्ट से 12 अगस्त 2021 को रिटायर हुए हैं उनकी जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और अदरवाइज जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट और राइट ऑफ प्राइवेसी के जो कंसेप्ट हैं उनको चेंज किया उन जजमेंट को लेके हमने ये स्पेशल वीडियो बनाई है जस्टिस सर रतन पॉलिन नरिमंथ है जस्टिस चीफ जस्टिस एन वी रमाना ने उनको एज ए लॉयन ऑफ जज के साथ उनके उनको डिस्क्राइब किया और लीगल फर्टर्निटी उनकी जो लिगेंसी है उसको प्रेज कर रही है तो हम भी इस वीडियो में उनके जो लैंडमार्क जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट में जिनके वो पार्ट रहे हैं ऑथर रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली जो जजमेंट दो चौदह दो हजार चौदह में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने तो मोहम्मद आरिफ एंड अदर वर्सेस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि डिसाइड हुई थी सेकेंड सेप्टेम्बर टू में इसमें रिव्यू इन डेथ पेनल्टी का केस था ये पटिशन फाइल थी कि कन्विक्ड हैं डेथ पेनल्टी है वो अफर्मेटिव बाय सुप्रीम कोर्ट होती है और क्वाई टू बी ओपन इन हार्ड इन ओपन तो वो ओपन कोर्ट में हयरिंग उसकी होनी चाहिए तो रीजनेबल प्रोसीजर है वो इन पास है ऑरल हेयरिंग ऑफ रिव्यू पटिशन अराइजिंग आउट ऑफ द डेथ पेनल्टी जो एक बार डेथ सेंटेंस है वो एग्जीक्यूट होती है तो उससे लाइफ है जो कन्विक्ट की उससे हम लाइफ उसकी ले लेते हैं तो एक फंडामेंटल राइट टू लाइफ है जो इन्वॉल्व होता है तो इसीलिए फेयर एंड रीजनेबल जो जस्ट प्रोसीजर है वो अडॉप्ट होना चाहिए वो ध्यान में रखना चाहिए तो जब भी वैन कन्विक्ट फडड सेंटेंस ऑफ डेथ जब कन्विक्ट हैं उनको जो डेथ सेंटेंस दी गई है अगर वो रिव्यू पटिशन फाइल करते हैं तो उनकी जो नेसेसिटी है वो ऑरल हेयरिंग की वो नेसेसिटी है उस सच रिव्यू पटिशन में वो इंटीग्रल पार्ट हो जाता है रीजनेबल प्रोसीजर का तो ऑल डेथ सेंटेंस है जो डेथ सेंटेंस केसेस है वो एटलीस्ट थ्री जजिस बेंच के द्वारा जो है उसकी हेयरिंग होनी चाहिए थी तो ये हेल्ड किया मोहम्मद आरिफ वर्स रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तो जस्टिस रंजन फाली नॉरिमन इनके जजमेंट के पार्ट थे तो उसके बाद ही सेकंड जजमेंट थी श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिसाइड हुई थी 24 मार्च 2015 को सेक्शन 66 ऑफ़ आईटी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था सुप्रीम so, कोर्ट के सामने क्वेश्चन था कि सेक्शन 66 ए 69 एंड 79 ऑफ एक्ट आईटी एक्ट एंड सेक्शन 118 डी ऑफ द एक्ट है कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए क्योंकि वो आर्टिकल 19 क्लॉज वन सब क्लॉज ए की वायलेशन करती है और जो आर्टिकल 19 क्लॉज टू में सेविंग जो दी गई हैं उससे वो उस टेस्ट में कंप्लीट नहीं है तो पटिश्नर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो पटिशनर है उसका कहना ये सही है कि पब्लिक राइट टू नो है वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है आर्टिकल सेक्शन सिक्सटी ए से तो सेक्शन 66 ए है वो जो क्रिएट ऑफेंस करता है उन लोगों के अगेंस्ट जो इंटरनेट यूज करते हैं और जो काज एंड कन्वीनियंस टू अदर है वेरी क्लियरली अफैक्टर फ्रीडम ऑफ स्पीच ये सेक्शन 66 ए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को अफेक्ट करता है एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजन को अफेक्ट करता है तो सेक्शन 66 आर्बिट्रेरी एक्सेसिवली एंड डिसप्रोपोर्शनेटली इनवेड राइट ऑफ स्पीच राइट ऑफ स्पीच को अफेक्ट करता है बैल अपसेट करता है बैलेंस है राइट एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बैलेंस को अपसेट करता है तो इसीलिए सेक्शन 66 ए है आईटी एक्ट का उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो नेचर है फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसको अफेक्ट करता है क्योंकि नो पार्ट ऑफ सेक्शन 66 ए वाज सेवेरेबल तो 66 ए का जो आ, Uh, कोई भी पार्ट्स अवेलेबल नहीं था इसलिए इस प्रोविजन को एज ए होल स्ट्रक डाउन कर दिया गया सेक्शन 66 ए क्रेट है जो ऑफेंस विच वॉज ए वेग एंड ओवर ब्रोड एंड देयर फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ये आर्टिकल 19 क्लॉज फन सब क्लॉज ए की जो वायलेशन करता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट थी जिसमें जस्टिस रितिन फॉलिनारीमन थे वो थे जस्टिस के एस पुतास्वामी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि डिसाइड हुई थी ट्वेंटी फोर्थ अगस्त 2017 में ये राइट टू प्राइवेसी को लेकर जजमेंट थी तो इसमें जस्टिस फॉलनी नारीमन ने ये ऑब्जर्व किया ये हेल्ड किया कि द एलिबल इन एलिबल फंडामेंटल राइट टू तो प्राइवेसी रिसाइड इन आर्टिकल 21 एंड अदर फंडामेंटल राइट फंडामेंटल फ्रीडम कंटेन इन पार्ट ऑफ थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो राइट ऑफ प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट right के आर्टिकल ट्वेंटी वन का पार्ट है उसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट थी वो थी जोसफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि डिसाइड सेवन थी टू थाउजेंड एटीन को सेक्शन फोर सेवन तो इस केस में रिट पटीशन फाइल करी गई थी सेक्शन 14, सेक्शन फोर्टीन फोर हंड्रेड सेवन ऑफ आई पी सी को अडल्ट्री जो कि ऑफेंस क्रिएट करता है और साथ में सेक्शन 198 क्लॉज 2 को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि कंप्लेंट का प्रोसीजर डिफाइन करता है इन दोनों की अनकॉन्स्टिट्यूशनल un डिक्लेयर करने के लिए ये पटिशन थी वो फाइल करी गई थी सेक्शन सेक्शन 497 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था कि अडल्ट्री शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस तो अडल्ट्री को ऑफेंस नहीं ट्रीट किया जाएगा तो कोर्ट uh, ने ये हेल्ड किया कि साथ में ही जो सेक्शन 198 है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो कि डील करता है प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग अ कंप्लेंट इन रिलेशन टू ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जब एक सब्सटेंशियल uh, प्रोविजन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसके साथ जो प्रोसीजर उस प्रोविजन uh, के साथ अटैच है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सेक्शन Uh, 497 है वो डिस्क्रिमिनेशनरी है वायलेटिंग है आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 क्लॉज वन के साथ और वुमेन को एज ए चैटल फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस प्रोविज़न अगर यूज़ करते हैं तो सच प्रोविजन है वो डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट अ तो वुमेन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स ओनली एंड वो इसको खत्म कर देना चाहिए तो इसीलिए सेक्शन 497 हंड्रेड का उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया जो नेक्स्ट जजमेंट थी वो थी इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो डिसाइड हुई थी 28 सितंबर 2008 को जिसको हम साबरीमाला टेम्पल केस भी कहते हैं इसमें जस्टिस रोहित फौल नौरिमा ने कहा था कि जो कस्टम है यूज़ हैं प्रोहिबिट करती है जो कि वुमेन को जो 10 टू 15 50 ईयर की एज की जो वुमेन है जो साबरीमाला टैंपल को टेम्पल में एंट्री उनकी बैन करती है ये विज़न जो वायलेट करती है आर्टिकल ट्वेंटी फाइव क्लॉज वन को उसके बाद शायरा बानू एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ट्वेंटी सेकेंड अगस्त 2007 में ट्रिपल तलाक का केस इसको कहते हैं इसमें जस्टिस रोहित फॉली नरिम ने कहा कि ट्रिपल तलाक है इस तरह की जो तलाक की फॉर्म है ये वायलेटिव है फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल के 14 में है आर्टिकल फोटीन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है ट्रिपल तलाक की जो फॉर्म है तो प्रैक्टिस ऑफ फेर तलाक के विद्य ट्रिपल तलाक वाज जो सेट असाइड तो ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस थी वो सेट असाइड कर दी गई थी उसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है नवतेज सिंह जौहर एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिसाइड हुई थी सिक्स सेप्टेम्बर टू को सेक्शन सेवनटी तो सेक्शन 77 ऑफ आईपीसी पी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर uh, किया गया था क्योंकि ये राइट ऑफ फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 उसकी जो है वो वायोलेशन करती है इन सो फार एज इट सेक्शन 77 सेवन क्रिमिलाइज़ द कंसेंशल सेक्चुअल एक्ट ऑफ अडल्ट तो uh, जो प्राइवेट में करते हैं तो ये वायलेशन है आर्टिकल फ़ोर्टीन फिफ्टीन नाइनटी नाइन आर्टिकल ट्वेंटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की उसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रजिंद्रा एन शाह जो कि डिसाइड हुई थी ट्वेंटी जुलाई 2021 को क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नाइनटीन सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट 2011 इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्ट नाइन बी कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि रिलेट करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रॉम नाइन्टी सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 को इसको इस पार्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में तो ये जो जजमेंट थी जस्टिस रोहितन फॉलि नारीमन जो इसमें इन्वॉल्व था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट थी जो हमने इसको क्विक कर यू के साथ इसको किया है आप आपको ये सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो